थ्री फंडामेंटल वे फॉरवर्ड क्या है, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर. The problem with suicide bombings is mainly because we have for decades not spent any money in the northern regions, and people feel betrayed, and those people, once they feel betrayed, take a misplaced ideology and then use that as justification for their actions. What is the way forward? That you need to spend money on infrastructure, on health, on education in those areas. Because, sir, every time you hit a bomb in an area, use artillery fire in an area, then the person whose family dies, even if he disliked Taliban before, he wants to get back at the Pakistan army. So he's going to join the Taliban. In people. We've ignored those people for a long time and we've blamed ourselves. All right, let me go to you, ma'am. Way forward, I'll come to you. Way forward suggest kare mujhe aap. Ye, go ahead, boliye. पर्सनली मेरे लिए एज अ फीमेल बेनजी भुट्टो जो हैं वो बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं. लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि अगर तो पैसा उनके जाती उनका जाती पैसा खर्च हो रहा है इनकम स्पॉट के ऊपर, तो फिर उनका नाम बेनजी इनकम स्पॉट रखा जाए. लेकिन अगर उनका जाती नहीं हो रहा टैक्स हमारा जा रहा है, तो फिर प्लीज उसका नाम पाकिस्तान के नाम पर रखा जी. वे फॉरवर्ड आपने तजवीज देनी है. नहीं, मैं ऐड करना चाहूंगी एक पॉइंट. okay. पहली बात मैं पूछना चाहती हूँ, बिलावल कौन है, उसकी खुद की क्या अचीवमेंट है, और आप किस एविडेंस पे कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट फ्यूचर लीडर होगा. और थर्डली आपने ये कहा है कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, और वो लोग जो बॉम्ब्स में मर रहे हैं वो भी अपनी जाने सेक्रीफाइस कर रहे हैं. विल यू काइंडली जस्टिफाई दिस. एंड सेकेंडली आप इधर पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने आए हैं. यू नीड टू गिव अस आंसर अबाउट योर पोजीशन, व्हाट यू आर डूइंग फॉर अस फॉर कंट्री. हम सब इंटेलिजेंट है, हर एक को राइट है लीडरशिप में आने का. थैंक यू वेरी मच. इमोशंस आर ग्रेट, दिस इज नॉट अ इमोशन, दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. यू नो, लेट्स हैव एन एंगेजमेंट लेवल दैट मेजर्स अप टू द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ दिस कंपनी. Okay, these are literate, educated people. We need to set those standards. Now, you're free to speak the way you want to. I'm not setting any tone for you, but you have registered your point. I'm sure he's going to respond to that, but let me first take the question from the lady here. Jee, this side. Go ahead, ma'am. Way forward. जैसे हमारा फॉरेन पॉलिसी को मैंने चेयर किया, फॉरेन अफेयर सेशन को, तो उसमें हमने एक बहुत एक मेजर जो हमने बेसिकली प्रपोज की है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आए जाए, एक उनके टॉप पर एक बहुत वैल्यूएबल थिंक टैंक एस्टैब्लिश किया जाए. उस थिंक टैंक में जितने भी डिप्लोमैट्स हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, एकेडेमिया से रिलेटेड लोग हैं, वो बैठे हुए डिफरेंट एरियाज में रिसर्च करें. गवर्नमेंट्स आए या जाएं, उनकी सजेशन बोर्ड पर होनी चाहिए. आगे इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का काम है, वो उनको इम्प्लीमेंट करें या ना करें, बट प्लीज कंसिडर दिस. इन हिज टॉक यस्टरडे द फॉरेन मिनिस्टर क्लियरली इंप्लाइड दैट फॉरेन पावर्स are supplying weapons to the Taliban. I think that evidence in this regard should be made public. Okay, fair enough. Back at the back, sir. I'll come to you as well, sir. I think एक वाटर सिक्योरिटी का इशू है जो बड़ा ही जो है निगलेक्ट किया गया है. खासतौर पर इस वक्त हमें बड़ी पानी की बड़ी कमी है, स्पेशली हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और जो है हमें स्ट्रिक्ट मेजर लेने चाहिए. इवन बिकॉज ऑफ चुनाव का जिस तरह पानी रोक लिया गया है, इंडिया के साथ डायलॉग के जरिए कुछ अपने एक डिप्लोमेटिक कार्ड्स यूज करने चाहिए. क्योंकि ये अगर हमारी इकोनॉमी नहीं है तो हम और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और डिपेंडेंट हो जाएगी, और हम एकदम का इंडिया के भी मोहताज हो जाएंगे, उसके सामने भी हमें झुकना पड़ेगा. तो प्लीज इसको कंसीडर करें और रेगुलरली इसको डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे ले जाए, इसको इसके लिए करें. Let me just take as many questions, you don't mind. You go ahead, sir. अच्छा जी, डिस्कशन को तो मैं बहुत फेवर करता हूँ, लेकिन बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन की भी जरूरत है. तो यहाँ पे जो मेरे जहन में बात चल रही है, आप लोग सारे डिस्कशन कर रहे हैं, तो बाद में इस पे क्या किया जाएगा. तो अब हमारे पास तीन पॉलिटिकल पार्टी से लीडर्स हैं, एंड आई वुड से कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद, आज इस मीटिंग के बाद, आप हमारे साथ वर्कआउट करें, कोई आप सेटअप करें ऐसी चीज कि हम काम कर सके. उसके बाद सिर्फ डिबेट की हद तक ये बात ना रह जाए. मैं चाहूंगा फेयर पॉइंट कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को यू शुड ऑन अ कांस्टेंट बेसिस स्टे एंगेज विद दीस पीपल, ताकि इनकी रिकमेंडेशंस आर प्लाउड इनटू योर पॉलिसी. हमारा यही तो मसला है, वी डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर. दे कैन बी आवर चैनल टू दैट. जी, सजेशन ये है कि पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी नहीं है, हमें हमारे यहाँ एजुकेटेड की कमी है. सो वी हैव टू मेक अ सिस्टम सो वी कैन ब्रिंग बैक द एजुकेटेड पीपल टू इन पाकिस्तान. तो दूसरी इसमें चीज ये है कि यूनिवर्सिटीज काफी अच्छी हैं पाकिस्तान में,
ऑक्सफोर्ड के, ऑक्सफोर्ड डेफिनेटली एग्जाम्पल. तो लीडर्स को एग्जाम्पल सेट करनी है, किसी को इनिशिएटिव लेना है मतलब सिस्टम को बनाने में. अब देखिए, इनसे पहले मेरी बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि लेट द सिस्टम रन. ओके, 2 ईयर्स हो गए हैं, व्हाट रिजल्ट्स यू कैन सी नाउ. यहाँ पे भी लोग डिस्ट्रक्ट हैं. अगर आप यहाँ के हालात देखें तो पाकिस्तानी इसके लिए इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं उनका एक वर्ड, एक उनकी स्टेटमेंट हमें बहुत अफेक्ट करती है, स्पेशली इन द यूके. सो दैट्स, थैंक यू. थैंक यू जी. थैंक यू. मैं वे फॉरवर्ड की बात हो रही है तो वो कहूंगा कि ये जो 3 पार्टियों के लिए, ये अपनी जमातों में डेमोक्रेसी पैदा करें और ग्रास रूट पर लोगों को लेके आए और खानदानों की अजारादारी को खत्म किया जाए और खानदानों को पूजना खत्म किया जाए. आप जिस मुल्क में यहाँ बैठे हैं, यहाँ चर्चिल जो वॉर हीरो था उसमें जंग जीती थी मगर उसकी पार्टी इलेक्शन हार गई थी क्योंकि उसके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं था, डिलीवर कुछ करने को था नहीं था. इसलिए जो जमात लेके आती को मैनिफेस्टो डिलीवर करने के लिए उनको वोट दिया जाए और खुद इनको डेमोक्रेट होना चाहिए. Okay, fair enough. I'll come to you, sir. मेरा जो सवाल है वो आपकी ही जो पॉइंट था कि जो 80% नेटो की सप्लाई जाती है वो पाकिस्तान से जाती है और हमें ये भी कहा गया कि वी आर आइडियलिस्ट. मैं बस ये कहना चाहूंगा कि एज आई से मोर प्रोवर्ब इज कमिंग, अ रियलिस्ट पर्सन विल अडैप्ट हिमसेल्फ विद द वर्ल्ड बट एन आइडियलिस्ट वुड अडैप्ट द वर्ल्ड विद हिमसेल्फ. देयरफॉर ऑल द प्रोग्रेस डिपेंड अपॉन द आइडियलिस्ट पर्सन. अगर पॉलिटिशियन हमें आइडियलिस्ट कह रहे हैं, वी आर प्राउड टू बी आइडियलिस्ट इन दिस रिगार्ड. सो जस्ट आई विल अगेन रिएट्रेट द पॉइंट कि हमारा जो किबला है वो अमेरिका की तरफ बहुत अच्छे से रह चुका हुआ है एंड द रिजल्ट हैज बीन कि पाकिस्तान अभी सोमालिया ऑफ साउथ एशिया बन चुका हुआ है. तो आप किबला अपना दुरुस्त कीजिए और मे बी द रियलिटी इज दैट कि आप लोग आइडियलिस्ट है और हम रियलिस्ट है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू. ये नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी, सिर्फ एक झलक है उस तहरीक की जो आपको पाकिस्तान की वेलफेयर के हवाले से पाकिस्तान से बाहर नजर आती है. सिर्फ मसाइल ही नहीं है जो लोग यहाँ पर खुशहाली के साथ पढ़ रहे हैं. खुशहाली से मुराद ये नहीं है उनके पास बड़े पैसे हैं, लेकिन जरा आसानी के साथ पढ़ रहे हैं, इतनी तंगी में नहीं है, स्कॉलरशिप्स पे आए हुए हैं और कुछ इसमें ऐसे लोग भी हैं जो साहिब सरवत खानदानों से इनका ताल्लुक है, वो पाकिस्तान के बारे में वरीज हैं. हमने यही डिबेट अगले प्रोग्राम जब आप देखेंगे तो UCL में लेके गए, एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंकिंग में 4th नंबर अब उसका है. वहाँ पर हमने ये डिबेट ऑर्गेनाइज की और उसका मौजू था अफगानिस्तान, वो हम आपको कल दिखाएंगे. आज हमारी तरफ से यही कुछ. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.